सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों हम बनाते हैं हेल्थ वीडियोस और हम आपको देते हैं नई नई हेल्थ वीडियोस नई जानकारी के साथ मेडिकल साइंस में होने वाली सभी ऑथेंटिक जानकारियां। ऑथेंटिक जानकारियां मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो जानकारी यहां पर आपको बताई जाती है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ई लाइब्रेरी से ली जाती है। मतलब इसकी जो भी जानकारी आपको मिल रही है वो पूरी पुख्ता जानकारी है। इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी है, बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत खराब चीजें भी हैं। आपको कैसे कंफर्म होगा कि ये जो जानकारी आपको मिल रही है वो 100% करेक्ट है? तो आप इस चैनल पे पूरी तरह बिलीव कर सकते हैं और ये मेडिकल एजुकेशन के लिए है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कैंसर। कैंसर अवेयरनेस के रूप में, कैंसर के फील्ड में आने वाली बदलावों को देखते हुए और कैंसर की बीमारी जो बहुत ज्यादा इस समय दुनिया में फैल रही है उसको देखते हुए मैंने कोशिश की है कैंसर के बारे में आपको कुछ कॉमन जानकारियां देने की। ये कुछ सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैंसर को लेके और हम पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है कैंसर, किसे बोला जाता है, हमारे शरीर में कैसे फैलता है, किस वजह से होता है। बहुत सारे कारण, बहुत सारी बातें, सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि व्हाट इज कैंसर। हम इसके बाद जितनी भी सीरीज इस वीडियो में लेकर आएंगे, इस वीडियो की सीरीज लेकर आएंगे, उसमें आपको अलग अलग तरह की जानकारियां कैंसर के बारे में मिलेगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रकार की जानकारी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं व्हाट इज कैंसर। थोड़ा सा जल्दी लूंगा क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डिसीजेस। कैंसर क्या है इसमें हम जानेंगे कुछ मेन टॉपिक। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डिसीजेस मतलब कैंसर एक कलेक्शन है, अकेला नहीं है। अकेला नहीं है मतलब ये कोई एक चीज नहीं है। कैंसर इज द नेम गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डिसीजेस। बहुत सारी जुड़ी हुई चीजों को एक साथ बोलते हैं कैंसर। सभी तरह के कैंसर में आपके शरीर की कुछ कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, स्टॉप नहीं होती डिवाइड होना और स्प्रेड करती हैं सराउंडिंग टिश्यूज को। तो कैंसर की परिभाषा को ऐसे समझिए कि एक कोशिका लगातार डिवाइड हो रही है, बार बार डिवाइड। देखिए नॉर्मली हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती हैं, खत्म होती हैं, बनती हैं, खत्म होती हैं। उसका एक सेल डिवीजन होता है, सेल साइकिल होता है। लेकिन कैंसर की कोशिका उस सेल साइकिल से अलग हटके मल्टीप्लाई करती है और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है, डिवाइड होती है और विदाउट स्टॉपेज। ये स्टॉप नहीं होती और डिवाइड होती ही रहती है एंड स्प्रेड भी करती है इनटू सराउंडिंग टिश्यू। नॉर्मल कोशिकाएं स्प्रेड नहीं करती लेकिन ये आजू बाजू की जगह पे स्प्रेड करती है, फैल भी जाती हैं। तो कैंसर की कोशिकाएं, कैंसर कैसे हुआ, बहुत लेवल को डाउन करके मेडिकल साइंस की बातों को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि कैंसर किसी बाहरी चीज की वजह से नहीं होता। ज्यादातर जो कैंसर आपको होते हैं उसमें कोई भी आपका बाहरी तत्व नहीं है। मेन जो चीज है जिसकी वजह से कैंसर होता है वो हमारी ही कोशिका होती है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक फैक्ट है कि कैंसर का कोई जीवाणु होता है, कैंसर का कोई कीटाणु होता है, कैंसर का कोई वायरस होता है। नहीं, आपकी ही कोशिका है जो मल्टीप्लाई कर रही है, मल्टीप्लीकेशन कर रही है और नॉन स्टॉप कर रही है, कंटिन्यू। तो कैंसर और वो आसपास फैल भी जाती है और एक जगह से दूसरी जगह भी चली जाती है। जब एक जगह से दूसरी जगह कोशिका चली जाती है तो इसे कहा जाता है मेटास्टेसिस। मैं इन वीडियोस में सारी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज कैंसर। कैंसर कैन स्टार्ट ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द ह्यूमन बॉडी। आपके शरीर में कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। विच इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इतनी सारी कोशिकाएं होती है पूरी बॉडी में, जितनी कोशिकाएं उससे कई गुनी ज्यादा कोशिकाएं आपके कैंसर के टिश्यू में होती हैं।
Normally, human cells grow and divide to form new cells as the body needs them. जैसे हमारे शरीर में बॉडी को जरूरत होती है उतनी हमारी बॉडी में कोशिकाएं जरूरत के हिसाब से बनती है, खत्म होती है. पर when cells grow old or become damaged, die and new cell takes their place. लेकिन जब कोशिकाएं पुरानी हो जाती है, उसका काम खत्म हो जाता है, तो वो मर जाती है, उसकी जगह नई कोशिका हो जाती है. लेकिन जब कैंसर डेवलप होता है, इस ऑर्डरली प्रोसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. जो एकदम ऑर्डरली प्रोसेस चल रही थी कि जितनी जरूरत है कोशिकाओं की वो शरीर ने बनाया, उसको खत्म कर दिया पुरानी होने के बाद, और फिर नई कोशिकाएं बन गई. लेकिन कैंसर के केसेस में ऐसा नहीं होता. एज सेल्स बिकम मोर एंड मोर एबनॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये एबनॉर्मल कोशिका है, ओल्ड होगी तो डैमेज सेल्स सर्वाइव व्हेन दे शुड डाई. जब उनको मर जाना चाहिए तब वो डैमेज होने वाली सेल भी सर्वाइव कर जाती है. एंड न्यू सेल फॉर्म व्हेन दे आर नॉट नीडेड, जब जरूरत नहीं है तब नई कोशिकाएं भी बन जाती है. मतलब जब कोशिका को मर जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, एबनॉर्मल कोशिका को, वो नहीं मरती और वो जीवित रहती है और नई सेल भी फॉर्म हो जाती है जबकि जरूरत नहीं है. दीज एक्स्ट्रा सेल कैन डिवाइड विदाउट स्टॉपिंग, ये जो एक्स्ट्रा सेल है ये बार बार डिवाइड की जाती है बिना स्टॉप हुए, एंड मे फॉर्म ग्रोथ, इसे इसके बाद ही ग्रोथ करती है, बनाती है बड़ा सॉलिड ट्यूमर. यही होता है कैंसर का ट्यूमर. मैनी कैंसर्स फ्रॉम सॉलिड ट्यूमर्स, जो गठान वाले ट्यूमर होते हैं, विच आर मासेस ऑफ टिश्यूज, मतलब जो कुछ जो ऊतक होते हैं उसके हार्डनेस वाले हार्ड पोर्शंस होते हैं, कैंसर ऑफ द ब्लड होते हैं, ब्लड कैंसर हो गया, जैसे कि ल्यूकेमिया हो गया, ये सॉलिड ट्यूमर नहीं बनाते हैं. लेकिन बाकी जो कैंसर्स हैं ये सॉलिड ट्यूमर बनाते हैं. तो कैंसर ट्यूमर्स मैलिग्नेंट भी होते हैं. मैलिग्नेंसी मतलब दे कैन स्प्रेड या इनवेड, ये फैल सकते हैं या अंदर जा सकते हैं नियर बाय टिश्यूज में, आस पास की कोशिकाओं में, सामान्य कोशिकाएं ऐसे नहीं जाती. इन एडिशन दीज ट्यूमर्स ग्रोज, सम कैंसर सेल्स कैन ब्रेक ऑफ एंड ट्रेवल टू डिस्टेंस प्लेसेस, एक जगह से दूसरे जगह पे ये कैंसर की कोशिकाएं चली भी जाती हैं. शरीर में किसी भी जगह थ्रू ब्लड और लिम्फ, लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो सफेद रक्त कण के चलने की जगह होती है. सफेद रक्त कण के जाने का एक अलग मार्ग तय हुआ है, तय है हमारी बॉडी में, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, जो ब्लड के सिस्टम से अलग होता है. ब्लड वेसल्स अलग है, लिम्फेटिक वेसल्स अलग है. तो ये इससे ट्रेवल कर सकता है, या तो सफेद रक्त कण वाले ट्रेवल सिस्टम से, लिम्फेटिक से, या ब्लड सप्लाई वाले से, और ये कहीं और जाके फैल सकता है और वहां एक नया ट्यूमर बना सकता है. तो अनलाइक मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर की तरह बेनाइन ट्यूमर नहीं होता. बेनाइन ट्यूमर अलग होता है, इसकी कोशिकाएं फैलती नहीं, ये अंदर नहीं जाता, आजू बाजू में नहीं. बेनाइन ट्यूमर का मतलब क्या होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर का क्या मतलब होता है, थोड़ा समझते हैं. बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, जैसे आपको यहां शरीर में कोई भी गठान हुई, अब ये जो गठान हुई, ये इस गठान में की एक खासियत रहेगी कि ये गठान आपने मान लो कट कर दी किसी जगह को, और कट करके फिर उस वहां घाव बनना था, जो वो अपने मेडिसिन लिए, एंटीबायोटिक्स लिए, वो भर गया, ये आजू बाजू फैलेगा नहीं. लेकिन यदि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट मतलब कैंसर, मैलिग्नेंसी इज अ कैंसर, या नियोप्लाज्म वर्ड जो होता है वो भी कैंसर है. तो मैलिग्नेंसी और नियोप्लाज्म वर्ड कैंसर है. तो ये बेनाइन ट्यूमर अलग हो गया और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया. मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये इसकी कोशिकाएं एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती हैं ब्लड में के थ्रू, आपके खून की नलियों के थ्रू, या सफेद रक्त कण जिसमें चलते हैं लिम्फेटिक्स, उनकी नलियों के थ्रू ये फैल जाते हैं बॉडी में और कहीं भी पैदा हो सकते हैं. मैलिग्नेंट ट्यूमर की यही खास बात होती है, कोशिका जो है उसके आधार पर कैंसर की कोशिका और नॉर्मल कोशिका कैसी होती है, उसका डिफरेंस समझते हैं, उसमें क्या अंतर होता है. कैंसर की कोशिका डिफरेंट होती है नॉर्मल कोशिका से, बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें अलग होती है. कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं वो एबनॉर्मल ग्रोथ करती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ वे जाके ग्रोथ करती हैं, और ये इनवेजिव होती हैं, धस जाती हैं आजू बाजू की कोशिकाओं में, धस जाती हैं आजू बाजू के टिश्यूज में, धस जाती हैं ऊतकों में, धस जाती हैं. एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कैंसर की कोशिका में होता है और ये नॉर्मल कोशिका से कैसे डिफरेंस होती है, ये आप समझ पाए. वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंट इज दैट कि कैंसर सेल्स लेस स्पेशलाइज होती हैं नॉर्मल सेल्स से.
मतलब कोई स्पेसिफिक सेल नहीं होती, कोई भी सेल हो सकती है। नॉर्मल सेल मैच्योर होती है, अलग अलग कोशिकाओं में टूटती है और अलग अलग फंक्शन करती है। कैंसर सेल्स अलग अलग तरह के फंक्शन नहीं करती, उसका तो एक ही काम है, बस बढ़ते रहो बढ़ते रहो। इसीलिए नॉर्मल कोशिकाओं की तरह कैंसर कोशिकाएं लगातार 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 टूटते जाती है, टूटते जाती है, टूटते जाती है और नई कोशिकाएं बनती जाती है। कैंसर सेल्स आपकी कोशिकाओं में जो सिग्नलिंग पाथवे होते हैं जिनकी वजह से आपके कोशिकाओं में काम होता है, उन काम को रोक देती है, उस पे उन पे उसका असर नहीं होता। तो इस वजह से शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म, उस कोशिका का डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। ये कैंसर सेल्स आर एबल टू इग्नोर सिग्नल्स, ये सिग्नल्स को इग्नोर कर देती हैं एंड दैट नॉर्मली सेल टेल सेल्स टू स्टॉप डिवाइडिंग, यानी ये बाकी कोशिकाओं को भी डिवाइड होने से रोक देती है और खुद डिवाइड होती रहती है और दैट बिगिन अ प्रोसेस नोन एज अ प्रोग्राम सेल डेथ और एपोप्टोसिस विच द बॉडी यूजेस टू गेट रिड ऑफ अननीडेड सेल्स। एक प्रोसेस है ये एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है, आपकी कोशिका प्रोग्राम करती है अपने आप को, उसका एक प्रोग्रामिंग होता है, जैसे एक सिस्टम हो गया, बन गया कि भाई आपको इतने कामों के लगाया गया था, अब आपका काम खत्म हो गया, अब आप काम करना बंद कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं एपोप्टोसिस, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो यही नॉर्मल कोशिका में होता है, लेकिन कैंसर की कोशिका में ऐसा नहीं होता और कैंसर की कौन सी कोशिका इस तरह के सिग्नल को फॉलो नहीं करती है। कैंसर सेल्स जो होती हैं नॉर्मल सेल्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसके मॉलिक्यूल्स को, ब्लड वेसल्स को, उसके आसपास और ट्यूमर फॉर्म करके उसका एक माइक्रो एनवायरमेंट जो है उसको चेंज कर सकती है। जैसे कि कैंसर सेल्स कैन इंड्यूस नियर बाय नॉर्मल सेल्स टू फॉर्म ब्लड वेसल, मतलब जो कोशिका ब्लड वेसल नहीं बनाती उसके आसपास में ब्लड वेसल डेवलप करवा देती है और ट्यूमर को यही ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट देती है और उसको और खाना मिलता है और वो बढ़ता चला जाता है। तो कैंसर की कोशिकाएं ब्लड सप्लाई जो है उसको बढ़ाने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करती हैं और बाकी ट्रिगर करती हैं, नॉर्मल कोशिका के आसपास भी ब्लड सप्लाई फैला देती हैं। कैंसर सेल्स आर एबल टू इवेड द इम्यून सिस्टम, ये आपके इम्यून सिस्टम आपके प्रतिरोधक तंत्र में घुस जाती हैं, नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स टिश्यूज और स्पेशलाइज सेल्स में जाती हैं जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता था, उस पूरे सिस्टम की धज्जी उड़ा देती है। ऑल दो यद्यपि इम्यून सिस्टम नॉर्मली डैमेज या एबनॉर्मल सेल्स को बाहर निकाल देता है, लेकिन कैंसर सेल्स अपने आप को इन इम्यून सिस्टम से हाइड कर लेती है, एक तरह से हाइड एंड सीक चलते रहता है, जिसमें कैंसर की कोशिकाएं हमारे प्रतिरोधक तंत्र के रडार सिस्टम में नहीं आ पाती। ट्यूमर कैन ऑल्सो यूज द इम्यून सिस्टम टू स्टे अलाइव एंड ग्रो, ट्यूमर्स का काम है, ट्यूमर्स अपने आप को इम्यून सिस्टम से पावर ले लेके, हमारे इम्यून सिस्टम से पावर लेके अपने आप को जीवित रखता है, ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इम्यून सिस्टम सेल्स दैट नॉर्मली प्रिवेंट और रन अवे इम्यून रिस्पॉन्सेज, कैंसर सेल्स कैन एक्चुअली कीप द इम्यून सिस्टम फ्रॉम किलिंग कैंसर सेल्स। तो इम्यून सिस्टम जो है कैंसर सेल को जो मारने वाला सिस्टम था हमारा खुद का, उस पर भी ये कंट्रोल करती है। कैंसर फैलता कैसे है, कैंसर शुरू कैसा होता है, क्या तरीके हैं कैंसर के शुरू होने के, कैसे होता है, हाउ डज कैंसर फॉर्म। कैंसर इज अ डिसीज कॉज्ड व्हेन सेल्स डिवाइडेड अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड इनटू सराउंडिंग टिश्यू, मतलब आसपास में फैल जाए, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए तो इसको कैंसर बोलते हैं। कैंसर में क्या और खासियत होती है, तो समझते हैं कैंसर में खासियत क्या होती है। इसमें आपकी जो कोशिका का डीएनए है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होता है। कैंसर इज कॉज्ड बाय चेंजेस टू द डीएनए, मोस्ट ऑफ द कैंसर कॉजिंग चेंजेस टू द डीएनए, और डीएनए का जो सिक्वेंस चेंज होता है उसको हम जीन्स बोलते हैं। तो दीज चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक चेंजेस, मतलब आनुवंशिक बदलाव यदि आपके साथ हो रहे हैं तो आप कैंसर के लेवल पे जाने वाले हैं। व्हाट आर ऑन्कोजीन्स, हम समझते हैं ऑन्कोजीन्स क्या होता है, मतलब यही जो मैंने बात की कि एक जगह टूट गई या एक फ्रेगमेंट डीएनए का चेंज हो गया
तो कैंसर सेल्स का ये डीएनए कहलाएगा। ए डीएनए चेंज कैन कॉज जीन्स इन्वॉल्व इन नॉर्मल सेल ग्रोथ टू बिकम ऑन्कोजीन्स। एक जो जीन था, एक डीएनए का चेंज था जो जीन्स कहलाया, वो नॉर्मल सेल ग्रोथ में एक ऑन्कोजीन बन के उभरेगा। और अनलाइक नॉर्मल जीन्स, ऑन्कोजीन्स कैन नॉट बी टर्न ऑफ, ये रुकते नहीं है, एक बार चालू हुआ इनका काम बंद नहीं होता। सो दे कॉज अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, और ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ करते रहते हैं। अब आप ये समझिए, आपने वर्ड समझा कैंसर क्या होता है, डीएनए क्या होता है, और आपने इसके पहले एक और शब्द सुना ऑन्कोजीन्स। अब एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, वो है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। देखिए, नॉर्मल जो कोशिका होती है उसमें एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम क्या होता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बहुत काम की बातें हैं, समझिएगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो नॉर्मल सेल्स को कैंसर बनाने से रोकता है, प्रिवेंट करके रखता है। ये एक काम है, दरोगा है ये ट्यूमर सप्रेसर, ट्यूमर को दबा के रखता है, भाई तू नहीं आएगा। लेकिन कैंसर सेल्स में डीएनए तो चेंज हो गया था, तो डीएनए चेंज होने की वजह से डीएनए चेंजेस दैट इनएक्टिवेट ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जो नॉर्मल कोशिका में था, इसको ये डीएनए इनएक्टिवेट करता है। मतलब एक भाई को तंग आने के लिए दूसरा भाई, एक दरोगा को तंग आने के लिए दूसरा दरोगा आ गया। अब जो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो हमारी बॉडी में नॉर्मली था, जो ट्यूमर को बनने से रोकता था, कैंसर कोशिका में भी एक डीएनए चेंजेस की वजह से एक ट्यूमर सप्रेसर जीन को बेवकूफ बनाने के लिए एक जीन और आ गया। इसे बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। डीएनए चेंजेस है दैट इनएक्टिवेट ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड कैन लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। अब जो कोशिका की ग्रोथ हो रही है वो लगातार होगी, अनकंट्रोल्ड होगी, इसको रोकना मुश्किल होगा क्योंकि रोकने वाला दरोगा तो आई नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल होगा ही नहीं। अब विद इन अ ट्यूमर, ट्यूमर के अंदर क्या होता है? विद इन अ ट्यूमर, ट्यूमर के आसपास बहुत सारी कोशिकाएं डेवलप होती। कैंसर सेल्स आर सराउंडेड बाय वेराइटी ऑफ इम्यून सेल्स, बहुत इम्यून सिस्टम जो प्रतिरोधक तंत्र है, इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे, एक आध वीडियो उसके लिए भी देंगे, एक वीडियो और जिसमें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कैंसर की सेल्स में बदलाव क्या आता है। इम्यून सेल्स होती हैं आसपास में, उसके साथ में फाइब्रोब्लास्ट होती है, उसके साथ में और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, खून की नलियां बनती हैं। व्हाट नोज एज द ट्यूमर माइक्रो एनवायरमेंट, हम इसको बोलते हैं ट्यूमर का माइक्रो एनवायरमेंट। ट्यूमर का माइक्रो एनवायरमेंट मतलब ट्यूमर का परिवार। जो कोशिका बहुत कंट्रोल थी अब अनकंट्रोल्ड होगी, फैलते गई, आजू बाजू फैल गई, आजू बाजू में इन्वेट कर गया, आजू बाजू के लोगों के घरों में भी फैल गया और ये ट्यूमर बना। अब ये ट्यूमर ने अपना एक एनवायरमेंट बनाया, वहां माइलॉइड सेल होगी, वहां टी सेल होगी, वहां डेंड्राइटिक सेल होगी, वहां रेगुलेटरी टी सेल्स होगी, वहां फाइब्रोब्लास्ट होंगे, कैंसर सेल तो होगी, नेचुरल किलर सेल्स होगी, मैक्रोफेजेस होंगे, बहुत सारी कोशिकाएं इसके आसपास होती हैं। मैं आपको बताऊं, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, आप चाहें तो अपने घर के या अपने परिचित या अपने जरूरी मेडिकल स्टूडेंट्स को भी भेज सकते हैं। ये नॉर्मल लोगों की जानकारी के लिए भी, नॉर्मल आम आदमी की जानकारी के लिए भी जरूरी है कि ये सब कोशिकाएं क्या होती, किस तरह से कैंसर होते हैं और किस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और आजकल दुनिया में जितनी भी खोजें हो रही है तो वो किस तरह से हो रही है, क्या किया जा रहा है, कैसे कैंसर पे काम किया जाता है, कैसे कौन सी कोशिकाएं काम करती है। बेवजह की बकवास जानकारी सुनने की जगह आप काम की चीजें देखें, और जिससे आप अपने नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। किसी भी अगले आप कभी भी किसी कैंसर पेशेंट से मिलते हैं तो जरूर उसे भी ये वीडियो भेजें या उसके परिवार वालों से इस बारे में बात करें, अवेयर रहें। तो माइक्रो एनवायरमेंट जो बना, कैंसर माइक्रो या ट्यूमर माइक्रो एनवायरमेंट जो बोल सकते हैं, विच इन टर्न कैन अफेक्ट हाउ कैंसर ग्रोज एंड स्प्रेड्स, कैसे कैंसर आगे जाके फैलेगा वो बताते हैं। हाउ डज द इम्यून सिस्टम इंटरेक्ट विद कैंसर, इम्यून सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करता है, वो अटैक कैसे करता है। इम्यून सेल जो है हमारी कोशिका, जो सफेद रक्त कण है, वो कैंसर की कोशिका पे जाती है, कैंसर की छल तो फैल रही है बड़ी हुई कोशिका, अब ये जाती है तो इम्यून सेल को वो कैसे बेवकूफ बनाता है। इम्यून सिस्टम जो सेल्स हैं कैन डिटेक्ट एंड अटैक कैंसर सेल, वो पता कर सकती हैं, उसको पता करती हैं, ढूंढती है भाई कहाँ है ये दरोगा, इसको ढूंढो। वो दरोगा जाता है वो टी सेल वाला, टी सप्रेसर वाला और टी ट्यूमर सप्रेसर वाला, और वो जाके ढूंढता है, ढूंढ के बोलता है इम्यून सिस्टम के सेल को, भाई जाओ इसको अटैक करो। बट होता क्या है, सम कैंसर सेल कैन अवॉइड डिटेक्शन और थॉट एंड अटैक, कुछ कोशिकाओं पे तो ये
चले जाते हैं तो उनको ये तो मार देते हैं, लेकिन दरोगा के कहने पर, लेकिन कुछ कोशिकाएं जो हैं वो एबनॉर्मल बिहेव करती हैं और हमारी कोशिका उसको पहचान नहीं पाती। हमारा वो जो दरोगा है जिसने भेजा था, वो उसके पहरेदारों को वो बेवकूफ बना देती है। अब वो जो जितने भी जीन्स थे उनको बेवकूफ बन गई है। तो सम कैंसर ट्रीटमेंट्स कैन हेल्प द इम्यून सिस्टम बेटर डिटेक्ट एंड किल कैंसर सेल्स। कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट हैं वो इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि कैसे कैंसर की कोशिका को पहचाने और कैंसर की कोशिकाओं को मारें। तो इसमें इम्यून सिस्टम भी मदद करता है, इसीलिए इम्यून सिस्टम मदद करता है। अब हम जानते हैं कि हाउ टू जेनेटिक चेंजेस अफेक्ट कैंसर ट्रीटमेंट। जेनेटिक चेंजेस, आनुवंशिक बदलाव कैसे कैंसर के ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है। रिस्पॉन्स और नो रिस्पॉन्स, कैसे रिस्पॉन्स होगा डीएनए चेंजेस में और डीएनए चेंजेस में कैसे रिस्पॉन्स नहीं होगा। हर व्यक्ति, ईच पर्सन कैंसर हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक चेंजेस। आनुवंशिकी हर व्यक्ति की अलग होती है, तो ईच पर्सन कैंसर हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक चेंजेस। हर व्यक्ति का कैंसर जो है वो जेनेटिक चेंजेस का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है, उसके स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस होते हैं उसमें, और मेक अ पर्सन ऑफ कैंसर मोर और लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन ट्रीटमेंट। तो अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट है। अब एक व्यक्ति जो है उसका जेनेटिक यानी उसकी आनुवंशिकी अलग है दूसरे व्यक्ति से, तो इसीलिए बहुत सोच समझकर मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है उसके जेनेटिक्स के हिसाब से। समझ रहे हैं? तो ऐसे कैंसर का इलाज किया जाता है। अब ये जानते हैं कि व्हाट कॉजेज जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस कैसे होते हैं। तो जेनेटिक चेंजेस जो है, आनुवंशिक चेंजेस बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है। जेनेटिक चेंजेस दैट कॉज कैंसर कैन बी इनहेरिटेड यानी कि आपकी फैमिली के हिस्ट्री में हो, या अराइज फ्रॉम सर्टेन एनवायरमेंटल एक्सपोजर। एनवायरमेंटल एक्सपोजर क्या होता है, आपके हेरिडिटी में तो है, साथ में आपका अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन आपको बहुत ज्यादा हुई है, या आपके एमआरआई बार बार हुई है, या आप यूवी रेस के कांटेक्ट में ज्यादा आए, या आप केमिकल्स या मेडिसिन कुछ आपकी ले रहे हैं कई सालों से, या कुछ वायरसेस है आपकी बॉडी में ज्यादा इफेक्ट किए, या स्मोकिंग आप करते हैं, या आप ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या आपकी सेल कंटिन्यू डिवाइड कर रही है किसी जेनेटिक चेंजेस की वजह से। तो इस तरह से हमारी कोशिकाओं के जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने की कैपेसिटी में एरर आती है, एंड दैट एरर ड्राइव्स टू द सेल्स टू बिकम कैंसर सेल्स एंड कैंसर जीन फॉर्म होता है, जैसे मैंने आपको बताया। हाउ डज एज रिलेट टू कैंसर, उम्र कैंसर से कैसे रिलेटेड है, बच्चों में, एडल्ट में, सीनियर में किस तरह से डीएनए चेंजेस आपको मिलता है। मोस्ट ऑफन, ज्यादातर कैंसर कॉजिंग जेनेटिक चेंजेस एक्यूमुलेट स्लोली एज ए पर्सन एजेस, धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से तो कम वाले कम है, लेकिन ज्यादातर केसेस जो है उसमें क्या होता है, कैंसर कॉजिंग जेनेटिक चेंजेस जो है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं, डेट लीड टू ए हायर रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ। ज्यादातर जो कैंसर होते हैं वो बाद की एजेस में होते हैं, कम एज वाले में ये कम होता है, मतलब बच्चों की तुलना में बड़ों में कैंसर ज्यादा होगा और बड़ों की तुलना में बुजुर्गों में कैंसर ज्यादा होगा। व्हाट इज मेटास्टेसिस, ये एक स्पेशल पॉइंट है, 10वां पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटास्टेसिस क्या होता है, कैंसर सेल की एक खासियत है कि ये कैन ब्रेक अवे फ्रॉम ओरिजिनल ट्यूमर, जहां इसका ओरिजिनल ट्यूमर है वहां से ये टूट जाती है एंड ट्रेवल थ्रू द ब्लड, खून की नलियों के माध्यम से, या सफेद रक्त जिनमें जाते हैं लिम्फेटिक्स के माध्यम से, या आपके पूरे सिस्टम में दूरी पर ट्रेवल करती हैं, बॉडी में अलग अलग जगह जाती हैं, दे एग्जिट द वेसल्स टू फॉर्म एडिशनल ट्यूमर, और वहां से उस ब्लड सप्लाई से बाहर निकल जाती हैं, खून की नली से बाहर निकल जाती है और नया ट्यूमर बना देती है। कहां कहां ढूंढेंगे हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस तरह कैंसर फैलता है। नॉर्मल कोशिकाएं किस तरह से कैंसर में चेंज होती हैं, नॉर्मल सेल, फिर उसमें उसका सेल जो है उसमें हाइपरप्लासिया होता है, फिर डिस्प्लासिया होता है, फिर वो कैंसर में चेंज होता है। किस तरह के कैंसर होते हैं उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के कैंसर होते हैं और उनके अलग अलग नाम क्या हैं। ये कैंसर की सीरीज है, इस बार हमने इस पे पता करने की कोशिश की, या बताने की आपको कोशिश की कि क्या होता है कैंसर, कैंसर है क्या, आपकी कोशिका कैसे बदलती है,
ये आपकी ही कोशिका है, कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई फंगस नहीं है, कोई सूक्ष्म जीव नहीं है। बाकी चीजें आपको सपोर्ट कर सकती हैं आपकी बॉडी को कैंसर बनाने के लिए, पर ये इसकी वजह से होता है कैंसर, ऐसा नहीं है। कैंसर आपकी कोशिका की वजह से ही होता है, आपके जेनेटिक मटेरियल में, आपकी आनुवंशिकी में परिवर्तन से होता है। और कैंसर बनाना हमारी बॉडी पे, कैंसर बनना हमारे ही आनुवंशिकी पे निर्भर करता है और हमारी जीवन शैली या लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। हमने अक्सर आपको अपने वीडियोस में यही बताया है कि अपनी आनुवंशिकी आपको, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखने के लिए, अपने जीवन शैली को ठीक रखने के लिए हमने बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं। लेकिन आप इस तरीके को फॉलो जितना ज्यादा करेंगे, जितने जल्दी करेंगे, उतने ही ज्यादा बड़ी बीमारियों से बचेंगे। क्योंकि कैंसर होना एक शुरुआती टाइम में या बहुत कम समय की बात नहीं है, कैंसर लॉन्ग टर्म में जाकर बॉडी में होता है। कुछ एक कैंसर्स को छोड़ के जो जन्मजात होते हैं उनमें डायरेक्टली जीन्स आनुवंशिकी इन्वॉल्व होती है या किसी मेडिसिन की वजह से साइड इफेक्ट हो सकता है, पर ज्यादातर केसेस में कैंसर बहुत लंबे वक्त लेते हैं बच्चों के कैंसर्स को छोड़ दिए जाए तो। इसीलिए अपनी जीवन शैली में विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप अपनी जीवन शैली तो ठीक करेंगे ही करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी की भी जीवन शैली को अच्छा बना पाएंगे और उन्हें बीमारी से मुक्त कर पाएंगे। आशा है इस 25 मिनट के वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि कैंसर कैसे फैला, उसके पिक्चर्स भी हम आपको लगाकर देंगे ताकि आप हर एक स्टेज को समझ पाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमें इतना ज्यादा शेयर करें कि आप कैंसर के प्रति अवेयर हो पाए। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे वीडियोस कैंसर पर लेके आए ताकि पूरी तरह आप अवेयर हो पाए। हम स्टेजेस के बारे में भी जानकारी देंगे, हम बेसिक जानकारी आपको बताएंगे, बहुत सारी चीजें अभी आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।